बस हम खुद काम करते रहते हैं, भगवान हमको नवाजते रहते हैं बस। फोटोग्राफी के सेक्शन में आपने कई सारे मेडल जीते हैं जैसे मैंने कहा, तो किस सेगमेंट की फोटोग्राफी में आप ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं? मैं मोस्टली वाइल्ड लाइफ, जो एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, चीता, लायंस, लेपर्ड्स, सब लोग उसका मारते हुए पिक्चर निकालते हैं कि इसने इसको मार डाला, उस खा गया। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनका इमोशंस, जैसे हम रोते हैं, हम हंसते हैं, हम खुश होते हैं, हम जेलस होते हैं, हमको प्यार होता है, हम डांस करते हैं, बरोबर ऐसे ही वो करते हैं। तो उनका वो एक्सप्रेशंस मैंने अपने फोटोग्राफ्स में लिए हैं। जहाँ तक बात की जाए, इतने सारे चीज़ों से नवाजे जाते, उसके बाद भी वो जो ज्वाला है आपके अंदर की, जो फोटोग्राफी की तरफ आपको खींचती रहती है, आखिर आपका अगला पड़ाव क्या होगा, अगली बुलंदी कौन सी होगी? मैं फोटोग्राफी में ऐसा मानता हूँ कि मैं स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही हूँ अभी तक, मेरे को बहुत कुछ सीखना है और मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही रहना चाहता हूँ। सच ए ग्रेट फीलिंग। एक और सवाल आपसे होगा कि आप कैंसर की भी ट्रीटमेंट करते हैं, बेशक आप एक बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर के पेशे के साथ एक फोटोग्राफर का पेशा, क्या इन दोनों को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल नहीं होता आपके लिए? मैं ये समझता हूँ कि फोटोग्राफी सीखने के बाद मेरे में बहुत सारी पेशेंस आई। पहले मैं बहुत इम्पेशेंट था, अभी एक एक पिक्चर के लिए मेरे को घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है, 4 घंटा 5 घंटा, तो पेशेंट के साथ पेशेंस रखना मैं फोटोग्राफी से सीख गया। क्या बात है, आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं हाईटेक होती जा रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो फोटोग्राफी उनके डे टू डे लाइफ में एक हिस्सा बन चुका है, तो आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे इन रिलेशन टू फोटोग्राफी? अभी क्या हो गया है कि हर कोई जिसके पास मोबाइल होता है या कैमरा रहता है, वो अपने आप को फोटोग्राफर समझता है। उसको कंपोजिशन का कुछ नहीं मालूम, उसको टेक्निक का कुछ नहीं मालूम, और सबसे बड़ा सेल्फी का रोग लगा है सबको। सब अपना पिक्चर फेसबुक पे रखा, 100 लाइक्स मिला तो उसको लगता है कि बहुत अच्छा फोटोग्राफर है। ऐसा फोटोग्राफी नहीं किया जाता है, फोटोग्राफी की टेक्निक सिखाई जाती है, और वो टेक्निक हमें, ये फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये सबसे भारत देश में सबसे जूनी सोसाइटी है, 1937 में चालू हुई। हम ये क्लासेस हर वीक में 3 बार 6 से 8 बजे तक, मिस्टर रोहिंगटन मेहता करके एक टीचर है, बहुत इंडिया के बहुत सुप्रसिद्ध टीचर है, वो फोटोग्राफी सिखाते हैं खाली 7,500 रुपया में। पूरा इंडिया में इतना सस्ता फोटोग्राफी सर्टिफाइड कोर्स कोई नहीं सिखाता। हमारी फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया में ये क्लास पूरा साल चलता है। जहाँ तक बात की जाए, अगर कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति आपकी सोसाइटी से शिक्षा ग्रहण करना चाहे, तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा? आसान रास्ता, हमारा वेबसाइट पे हमारा ऑनलाइन फॉर्म भरे और आ जावे। पहले एक मेंबरशिप, नॉन लाइफ मेंबर बने, है ना, और फिर अंततः आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि हम जैसे, हमें हमारी फैमिली वैल्यूज़ रहती है, ऐसे वाइल्ड एनिमल्स की भी फैमिली वैल्यूज़ रहती है। उसको अगर हर्ट करना है तो 1000 बार सोचे कि वो हर्ट ना करे एनिमल्स को, उनका भी फैमिलीज रहता है, उनको भी अपने जैसी फीलिंग रहती है। यस, टेल मी। Both the professions are completely different from each other, but still you are performing well. What do you have to say on that? I think both the professions are